जिस कंधे पर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी एक पुलिसकर्मी की होती है, वही पुलिसकर्मी विगत 20 दिनों से अधिक से लापता है। जिंदा एवं मुर्दा का कोई खबर नहीं है। ऐसा सुनकर और सोचकर भी दिमाग विचलित हो जाती है, लेकिन यह सच्चाई है। झारखंड के लातेहार जिला में एक सहायक पुलिसकर्मी जो निरंतर अपनी सेवा दे रहा था, इस बीच 8 अप्रैल 2024 को घर से थाना ड्यूटी आने के क्रम में वो न जाने दुनिया के कौन से बीहड़ और मेरियाना की गर्त खाई में चला गया है, जो लातेहार जिला प्रशासन एवं संबंधित पुलिस अधिकारी अब तक उसका जीवित एवं मृत्यु का कोई खबर और खोज नहीं कर पाई है, जो काफी चिंताजनक की बात है। क्योंकि एक तो उसका माता जी नहीं है, वो माँ का टूअर लड़का है, घर का इकलौता भरण पोषण का कार्य करता था, लेकिन इस अनहोनी की आशंका को देखते हुए एक बुजुर्ग पिता का रोते रोते अत्यंत ही बुरा हाल है, और वे भी इस विपदा से, इस अवसाद से संभवतः ज्यादा दिन जीवित रहने की अनुमान नहीं है। इन तमाम बिंदुओं को केंद्र में रखकर बार बार जो संबंधित थाना प्रभारी हैं, DSP हैं, SP साहब हैं, IG साहब हैं, DIG साहब हैं, DGP सर हैं, लेटर के माध्यम से और जनप्रतिनिधि के माध्यम से हर संभव आग्रह, रिक्वेस्ट, प्रार्थना किया गया, किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी यह न्याय का समय है। एक पुलिसकर्मी और वर्दीधारी भी वर्दीधारी का सहयोग और न्याय दिलाने की स्थिति में नहीं है। ये बहुत चिंताजनक बात है। इधर परिवार का रो रो का एकदम दयनीय स्थिति है, और प्रशासन केवल एक तरह से खाना पूर्ति, आश्वासन और ढकोसलाबाजी जैसा रास्ता अपनाकर इस मुद्दा को दबाने का और भटकाने का, अटकाने का काम कर रही है। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट है कि कम से कम जीवित या मृत्यु उनका खबर दिया जाए, नहीं तो समाज का वर्दी पर से विश्वास उठ ही रहा है और बहुत उठ जाएगा, जो कि पुलिस और समाज के लिए अच्छा बात नहीं है।